अरे सबसे बड़ा धोखेबाज तो बीजेपी के लोग हैं, माननीय नीतीश कुमार जी को, चाचा जी को, कि किस तरीके से बीजेपी वाले भाजपा के नेता लोग अपमानित करने का काम कर रहे थे। वो अपमान सह रहे थे, इसलिए अपमान सहने से अच्छा है कि आदमी विष पिए या साथ आ जाए। तो बीजेपी पहले अपने गिरवान में झांके कि बीजेपी जो कर रही है पंडाल लगा कर। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव भाजपा पर जमकर बरसे हैं। जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, इस बात पर तेज प्रताप यादव ने भाजपा को जमकर सुनाया है। देखिए तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे हैं। एक आदेश जारी किया, क्या कहेंगे बच्चों को? अब क्या है क्या नहीं है वो तो सरकार महागठबंधन का, अब क्या उनका है सरकारी उनका काम। लेकिन बीजेपी विधायक सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बदली तो अब जश्न जो है आज़ादी का उसमें भी नहीं मनाने का आदेश आ रहा है और ये उचित नहीं है। जो भाजपा वाले आरएसएस को मानते हैं, जो तिरंगा झंडा को नहीं मानते हैं, और जिस तरीके से हुआ है आप देख रहे हैं कि क्यों हुआ है, गठबंधन की सरकार क्यों आई, गठबंधन की जो सरकार आई है आप देख सकते हैं कि महागठबंधन काम करने के लिए जो हम लोगों ने वादा किया था वो वादा को अब समय आया था पूर्ण करने के लिए, इसलिए हम लोगों ने महागठबंधन को ये किया है। तेज प्रताप यादव को, नीतीश कुमार जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को, चाचा जी को, कि किस तरीके से बीजेपी वाले भाजपा के नेता लोग अपमानित करने का काम कर रहे थे। वो अपमान सह रहे थे, इसलिए अपमान सहने से अच्छा है कि आदमी विष पिए या साथ आ जाए। जो अपने भाई हैं पुराने तो साथ में है हम लोग सब लोग। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अकेले दम पर नीतीश कुमार कभी भी सीएम नहीं बन सकते। देखिए बीजेपी क्या कह रही है नहीं कर रही, बीजेपी पहले अपने गिरवान में झांके कि बीजेपी जो कर रही है पंडाल लगा करके रोड पे सड़क पे वो यही सब काम कर सकती है। नीतीश कुमार को जेडीयू ने बीजेपी ने सम्मान दिया लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा दिया। अरे सबसे बड़ा धोखेबाज तो बीजेपी के लोग हैं जो एक महिला का अपमान करते हैं और किस तरीके से किसी का घर को बुलडोजर से तोड़वाते हैं, ये तो सामने दिख रहा है। बीजेपी का भगवान राम के पास तो आप देख लीजिए कि तीर है नीतीश कुमार जी का, जो भगवान राम जो तीर रखते हैं वो तो नीतीश कुमार जी का है। कमल को कहाँ धारण करते हैं भगवान राम कमल को कभी धारण किए हैं, वो तो तीर को धारण किए हैं। तेज प्रताप यादव जी को कौन सा विभाग सूट करेगा? अब कौन सूट करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, बाद में उसका फैसला। चलिए तो आपने देखा कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा लगातार अपमानित कर रही थी, वो लगातार सह रहे थे, उससे अच्छा है कि वो बीस का सेवन कर लेते या फिर भाई के साथ आ जाते। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि भाई के साथ रहेंगे, यह अच्छी बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास तीर है, तीर जो है रामचंद्र जी का हथियार है, शस्त्र है, और राम जी के हाथों में तीर रहता है, कमल थोड़ी रहता है। तो तेज प्रताप यादव ने खूब जमकर भाजपा को सुना दिया है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। तेज प्रताप यादव के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।